हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे अब आपके नीट एग्जाम में समय बचा है मात्र एक महीने का और अब समय है रिवीजन करने का और रिवीजन के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहे शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टू टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं पहली है जीनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है इसराइल कंडीशन इसके बाद देखते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डी एन ए डेवलप बाई जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डी एन ए था उसे किसे किसने डेवलप किया तो उसे डेवलप किया स्टेन कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर ने इसके बाद अगला टॉपिक है सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन इनिशिएशन जो रेप्लीकेशन इनिशिएशन है इसके लिए कौन सा सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए सीक्वेंस जो रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इसके बाद है मोलिकुलर सीजर मॉलिकुलर सीजर हम किसे कहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्ज जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज होता है उसे हम मोलिकुलर सीजर बोलते हैं इसके बाद है रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डी एन ए इन बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लीकेटिंग और सर्कुलर होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड जो एंजाइम को लिंक करता है एंजाइम्स लिंक्स आर जॉइंस द जीन्स वह कौन सा एंजाइम है जो जीन्स को लिंक करता है जोड़ता है तो वह है डीएनए लाइगेज जहाँ जोड़ने का काम आए वहाँ पर लाइगेज आएगा ये याद रखिएगा इसके बाद है ईएफवी ईएफबी का फुल फॉर्म क्या है तो ईएफबी का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके बाद है फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन सा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज जो सबसे पहला डिस्कवर किया गया वह है हिंड सिकंड अपना हिंदुस्तान सबसे आगे इससे याद रखना जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन डिस्कवर किया गया वह है हिंड सिकेंड इसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू हु क्लास ऑफ एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं तो न्यूक्लियज क्लास से बिलोंग करते हैं आपने देखा भी है रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियज तो न्यूक्लियज न्यूक्लियज जो है वो है क्लास इसके बाद है टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं तो वह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके बाद है मोस्ट कॉमन यूज मैट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन यूज जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं जेल इसके बाद अगला जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डी एन फ्रॉम फ्रैगमेंट फ्राम तो उसे हम बोलते हैं इल्यूशन इसके बाद जो अगला है वो है एगारोज इज एक्सट्रेटेड फ्राम जो एगारोज होता है उसे हम सी वीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बाद जो अगला है वह है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई कंपाउंड इज यूज टू स्टेन डी एन ए इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका हम यूज करते हैं डी एन ए को स्टेन करने के लिए तो वह है इथीडियम ब्रोमाइड यह एन सी आर टी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार इसे पूछा भी गया है इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ए इन बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट ए का इंसर्जन करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज होता है उसे हम बोलते हैं थर्मस इक्वेटिकस अगर यहाँ तक इस स्लाइड से किसी को कोई भी डाउट है तो आ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर चलिए अब आगे बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन की माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसे डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं एनिमल सेल में अब हम इसे कैसे याद करेंगे इंजेक्शन जो होता है किसे दिया जाता है प्लांट को दिया तो दिया नहीं जाता है एनिमल्स को ही दिया जाता है जो जीव होते हैं उन सबको इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एनिमल सेल्स जब एनिमल सेल्स को हम डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट करते हैं उसे हम माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं अगला है इन बायोलिस्टिक आर जीन गन मैथड डी इज कोटेड विथ जो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड होता है उसमें हम डीएनए जो होता है किससे कोट करते हैं तो जो कोटेड होता है डीएनए वो होता है गोल्ड या टंगस्टन से आगे देखते हैं तो आगे है केमिकल यूज्ड फॉर डीएनए आइसोलेशन कौन सा केमिकल है जो डीएनए आइसोलेशन में हम यूज करते हैं तो वह है चिल्ड एथेनॉल अगला है डाईवेलेंट कटाइन डाईवेलेंट कटाइन क्या होता है तो डाईवेलेंट कटाइन जो होता है इंक्रीज द इफिशेंसी अपटेक ऑफ डीएनए बाय बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनका फिशेंसी जो होता है डीएनए को अपटेक करने का उसे इंक्रीज करते हैं अब आगे बात करते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन यह कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है डिजायरेबल प्रोटीन का तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसी के साथ में ही इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ में